देश में बुलेट ट्रेन दौड़ाने का पीएम नरेंद्र मोदी का ये सपना कितना साकार हुआ? आखिर कब हम जापान और चीन की तरह हमारे देश में भी बुलेट ट्रेन के सफर का मजा ले पाएंगे? आज द बिग बेंच डेली में हम इसी पर बात करेंगे। साल 2015 मतलब देश का प्रधानमंत्री बनने के सिर्फ एक साल बाद अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक जिस बुलेट ट्रेन को चलाए जाने का ऐलान नरेंद्र मोदी ने किया था, आपको जानकर हैरत होगी कि उसका आधा काम भी अभी तक पूरा नहीं हो सका। इरादा तो इस बुलेट ट्रेन को देश की आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर लोगों को भेंट करना था, मतलब पिछले साल तक ही इस बुलेट ट्रेन के काम को पूरा कर लिया जाना था, लेकिन ये काम अधूरा है। और बुलेट ट्रेन में सफर का ख्वाब देखने वालों को अभी 2026 तक का इंतजार करना पड़ेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि ये काम कितना पूरा हुआ है और जो नहीं हुआ है उसकी वजह क्या है। पीएम मोदी ने तो 14 सितंबर 2017 को ही इस प्रोजेक्ट का फाउंडिंग स्टोन रख दिया था, लेकिन इस काम में सबसे बड़ी अड़चन उन जमीनों को अधिग्रहित करना, मतलब अपने ओनरशिप में लेना था जिनसे होकर ये बुलेट ट्रेन गुजरने वाली है। इन जमीनों पर ज्यादातर किसानों और आदिवासियों का मालिकाना हक था और सरकार को उन्हें कॉम्पनसेट करके उनकी जमीन अपने कब्जे में लेनी थी। इस काम में गुजरात में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है और यह प्रोजेक्ट पीएम मोदी का एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, तो ये काम आसानी से हो गया। लेकिन इस ट्रेन रूट का जो हिस्सा महाराष्ट्र में था, वहाँ जमीन अधिग्रहित करना एक टफ टास्क था क्योंकि यहाँ पिछले साल तक उद्धव ठाकरे की सरकार थी जिसने इस प्रोजेक्ट में रोड़े डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दूं कि 508 किलोमीटर लंबे इस रूट का 352 किलोमीटर का हिस्सा गुजरात में है जबकि 156 किलोमीटर का हिस्सा महाराष्ट्र में। दिक्कत इसी 156 किलोमीटर के स्ट्रेच पर है। यहाँ काम न के बराबर हुए हैं। दैनिक भास्कर की तरफ से की गई एक ग्राउंड रिपोर्ट में पता चला है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का गुजरात में सिर्फ 40% ही काम हुआ है जबकि महाराष्ट्र में पूरे काम का सिर्फ 15% ही निपटाया जा सका है। इस ट्रेन रूट में 12 स्टेशन होंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस स्टेशन का कितना काम हो चुका है। गुजरात का साबरमती जो कि इस रूट का पहला स्टेशन है, वहाँ सिर्फ 15% ही काम हुआ है। अहमदाबाद स्टेशन का काम 25% तक हो चुका है। आनंद स्टेशन का काम 55% पूरा हो चुका है। वडोदरा में महज 10% काम हो पाया है, तो वहीं ये काम भरूच में 25%, सूरत में 40%, बिलीमोरा में 35% और वापी में 20% पूरा हुआ है। ये गुजरात में आने वाले स्टेशन हैं। महाराष्ट्र में आने वाले बोईसर, विरार, ठाणे और बीकेसी के स्टेशन अभी सिर्फ मैप पर हैं क्योंकि इनके लिए सिर्फ जमीन की मार्किंग ही हो पाई है। मतलब 108 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस बुलेट ट्रेन के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात है कि अगर ये पीएम मोदी का इतना ही बड़ा सपना था तो इसको पूरा होने में इतनी देर क्यों लग रही है? क्या हमारे देश में फिजूल की राजनीति हमेशा से ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भारी पड़ती है? आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।